Hello everybody, very very good afternoon to you all, and most welcome once again to your favorite channel Class Apart. And I'm so very sure ki this channel is really proving very helpful for you all bachcho. Mere ko pata hai ki revision karne ke perspective se this is the best avenue possible for you, right? So I hope you all are enjoying the experience that this channel is bringing forward for you. So here I am, bachcho, your English educator, back again with another video. So aaj main aapki CBSE NCERT ki class 7th ki supplementary reader and alien hand ka second chapter karne wali hu, right? Hum logon ne honeycomb ke chapters complete kiye hain bahut hi recently. To abhi hum log the alien hand kar rahe hain jo ki aap logon ki supplementary reader hai. तो अभी हम लोग करने लगे हैं आज उसका सेकेंड चैप्टर, विच इज़ ब्रिंगिंग अप कारी. तो मैं आप लोगों को एक क्विक ब्रीफ दे देती हूँ चैप्टर के बारे में. दिस चैप्टर इज़ अबाउट ब्रिंगिंग अप एन एलिफेंट. कारी इज़ बेसिकली द ऑथर्स एलिफेंट, जो आपको ये स्टोरी सुना रहे हैं, ये उनके एलिफेंट की बात की कहानी है. तो स्लोली स्टेरिली धीरे 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 हाउ द एलिफेंट ग्रोज अप, हाउ द एलिफेंट लर्न्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट एलिफेंट, आई मीन बेसिकली दिस स्टोरी, दिस चैप्टर इज गोना गिव यू एन इनसाइट इनटू एन एलिफेंट्स लाइफ, विच इज अमेजिंग एंड ग्रेट टू नो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे. हाउ डू एलिफेंट्स ग्रो, व्हाट ऑल दे डू, व्हाट ऑल दे लव टू ईट, किस तरीके के उनका बिहेवियर होता है, किस तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है. तो या इट्स अ लवली एक्सपीरियंस. इट विल टेक यू टू अ जर्नी टू द लाइफ ऑफ एन एलिफेंट. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो अहेड. तो बच्चों, बिफोर गोइंग अहेड, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदने हो अन अकेडमी की प्लस या आइकॉनिक, रिमेंबर टू यूज़ माई कोड SOS10. एंड येस, इससे आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट एंड यू ऑल कैन विन योर स्कूल एग्जाम्स विद अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन. देन बच्चों, मोस्ट वेलकम टू योर इंग्लिश एजुकेटर सेशन. माई नेम इज सोनम सूदन, यू ऑल नो मी बाय नाउ, मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है. तो आप लोगों ने मुझे अन अकेडमी क्लास 6 पर देखा ही होगा बच्चों बहुत टाइम से. सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अन अकेडमी क्लास 6 की सभी सेशंस का रेगुलर अपडेट मिलता रहे, सो हाउ डू यू डू दैट, तो वो आपको मिलेगा विद द अन अकेडमी क्लास 6 का टेलीग्राम लिंक. तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम लिंक ऑफ द चैनल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू लॉग इन. देन इज बच्चों बग्स बाउंटी, एक ऐसा इनिशिएटिव ब्रॉट टू बाय अन अकेडमी, जहाँ पर अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कॉन्टेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं. इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, देन इज बच्चों अन अकेडमी आस्क अ डाउट, अ वेरी वेरी यूजफुल फीचर ब्रॉट टू बाय अन अकेडमी, बिल्कुल फ्री. ज़रूरी नहीं है कि आपने सब्सक्रिप्शन ली ही हो, एनी बडी कैन गो हैड एंड यूज़ दिस फीचर. आपको सिंपली आई मीन वॉट आर द बेनिफिट्स दैट यू गेट, तो आपको जवाब में मिलेंगे, कोई भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जवाब में हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी में. आप किसी भी टाइम पे डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सोल्यूशंस मिलेंगे, अपनी होमवर्क के लिए असिस्टेंस भी मिलेगा. नाउ हाउ डू यूज़ दिस फीचर, तो आपको जाना है ऑन द अन अकेडमी ऐप, क्लिक ऑन आस्क अ डाउट, देन यू गॉट चूज़ अ पिक्चर, अपने डाउट की एक पिक्चर चूज़ करें आप या क्लिक करें, उसके बाद उसको क्रॉप करें, फिर आप लोग अपना सब्जेक्ट मैच करें, यानी कि आपको क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से, एंड देन सेंड इट अक्रॉस, विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर. चलो बच्चो, लेट्स गो अहेड एंड लर्न अबाउट ब्रिंगिंग अप कारी. लेट्स सी हाउ कारी वॉज ब्रॉट अप. ओके, कारी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड वेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. तो ये जो author है ये 9 years old था और जो कारी है वो 5 months old था. तो कारी of course being an elephant, he was tall enough and author could only reach his back when he could tiptoe. तो tiptoe क्या होता है, अपने tips पे, आप अपने toe के tip पे जब ऐसे खड़े हो जाते हैं to increase your height, that is called as tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. ठीक है, उतनी हाइट उसकी 2 साल तक रही थी. वी ग्रू टुगेदर, दैट्स प्रॉबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. ही लिव्ड इन अ पवेलियन अंडर अ थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स सो दैट इट वुड नॉट फॉल व्हेन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल एज ही मूव्ड अबाउट. सो कारी जो था वो एक पवेलियन में रहता था. व्हाट इज अ नाउ व्हाट काइंड ऑफ पवेलियन इज दैट. तो पवेलियन था लाइक थैच्ड रूफ थी जो खड़ी थी पिलर्स पे, ट्रंक ट्री के जो ट्रंक्स होते हैं उसके पिलर्स पे खड़ी थी, सो दैट इट वुड बी सेफ फॉर कारी. यही रीजन से वो बनाया गया था.
ओके, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. सबसे पहली काम, मतलब महान काम जो कारी ने किया था, वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. कारी डिड नॉट ईट मच, बट ही नेवर द लेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद. तो आई मीन 40 pounds ऑफ ट्विग्स इज एज नॉर्मल फॉर एन एलिफेंट टू ईट. ठीक है, तो ट्विग्स क्या होते हैं, छोटे छोटे लकड़ी के पीस, तो उतने तो उसको चाहिए ही होते थे रोज खाने के लिए. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. तो उसको मतलब river bank पे the author would take him to the river bank और वहाँ पे वो मतलब बैठ कर author would clean him nicely river की sand से उसको clean कर देते थे. After that he would lie in the water for long time. उसके बाद वो पानी में काफ़ी देर तक बैठा रहता था. On coming out his skin would be shining like ebony. Ebony is like nicely smoothened wood. ठीक है, his skin would be shining like ebony and he would squeal. Squeal क्या होता है, खुशी से चिल्लाना. ये देखिए, ये है कारी, ये है उसकी थैच्ड रूफ जहाँ पे उसको रखा गया था. तो ये देखो, ऑथर वुड रीच टू हिम विद अ टिप टो उसकी बैक पे, बिकॉज वो आई मीन एलिफेंट हैज़ अ वेरी वेरी आई मीन इट्स वेरी वेरी टॉल, राइट? यू कैन जस्ट रीच टू द बैक ऑफ एन एलिफेंट. सो इतनी तरीके से ही वुड रीच टू द टिप टो. नाउ जब भी कारी पानी से बाहर आता था, ही वुड स्क्वील विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. तो जब पानी से उसको वो अच्छे से क्लीन करता था, बहुत ही खुश हो जाता था कारी. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल व्हाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर. तो अब क्या होता था कि उसको कान से पकड़ के, कारी को कान से पकड़ के ऑथर जो है उसको रिवर बैंक पे ले जाता था, नॉट रिवर बैंक सॉरी फॉरेस्ट के बाहर ले जाता था. एंड कारी वुड गो एंड यू नो बाय द टाइम जब तक ऑथर जो है वो जंगल के अंदर जाकर इसके ट्विग्स लाता था, तो कारी बाहर बैठा रहता था फॉरेस्ट के बाहर एंड ही वुड स्टे देयर जब तक ऑथर उसके ट्विग्स इकट्ठे करता. वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट दीज ट्विग्स, राइट? It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. तो बहुत ही sharp आपका, जिससे भी आप twigs को काटेंगे, कुल्हाड़ी जो है बहुत sharp होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो properly कटे हुए नहीं होंगे, properly इस तरीके से मतलब proper cut twigs नहीं होंगे, थोड़े से भी मुड़े हुए टेढ़े मेढ़े होंगे, तो elephant उसको खाएगा ही नहीं. So it is quite an effort to bring up so much food for the elephant, right? So Now what happened was, mutilated का मतलब होता है छोटा मोटा टूटा हुआ कटा हुआ, that's mutilated. It's not an easy job to get twigs and saplings for Kari. I had to climb all kind of trees to get the most delicate and tender twigs, as he was very fond of young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. तो अब उसके लिए भाई खाने के लिए सामान इकट्ठा करना इतना आसान तो नहीं, उसको एकदम सॉफ्ट ट्विग्स चाहिए बैनियन ट्री के, तो ऑथर को जाकर लाने पड़ते थे. ठीक है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट से ट्विग्स लाने पड़ते थे ऑथर को. सो उसको यंग ब्रांचेस जो होते थे बैनियन ट्री के, वो बहुत ही उसको सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे लगते थे. एंड वॉट इज कथीड्रल, कथीड्रल इज लाइक ग्रोइंग बिग. तो बैनियन ट्री आप लोगों ने देखा होगा, इट इज कथीड्रल, राइट? इट ग्रोज वेरी वेरी बिग, तो उसके कथीड्रल लीव्स और ब्रांचेस होते हैं. So that's what it is. तो जाना पड़ता था ऑथर को लेने के लिए, एंड इट वॉज डेफिनेटली एन ईजी जॉब. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग दी ओके देन आई वॉज गैदरिंग ओके वन स्प्रिंग डे इन मार्च वेन आई वॉज सडनली ओके आई थिंक दिस इज वन लॉन्ग सेंटेंस वेट लेट मी स्टार्ट एज वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेज ऑफ द बैनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज आई वॉज गैदरिंग सम. तो उसको यंग ब्रांचेज बहुत अच्छी लगती, तो एक दिन ऑथर इकट्ठा कर रहा था. One spring day in March when I suddenly heard Kari calling me in the distance. तो एक दिन इकट्ठा कर रहा था ऑथर उसके लिए ट्रीज ऑफ मतलब ट्विग्स एंड लीव्स, दैट इज वेन उसको सडनली कारी की आवाज़ आई. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट. तो ऐसा लग रहा था कोई बच्चा चिल्ला रहा है rather than an elephant.
I thought somebody was hurting him, so I came forward from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. तो अभी क्या हुआ, जैसे ही कारी चिल्लाया ऑथर ने सुना तो ऑथर वो फटाफट भागता भागता ही जो बच्चा है फटाफट आ गया और उसको आकर देखा तो जहाँ पे उसको छोड़ा था फॉरेस्ट के बाद वहाँ पे कारी था ही नहीं. नाउ हाउ डज ही गो एंड फाइंड हिम. तो नाउ व्हाट हैपेंड, आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सर्फेस. अभी वो रिवर के पास गया, जो ऑथर है जो बच्चा है वो रिवर के पास गया कारी को ढूंढने के लिए. तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ तो ब्लैक है जो फ्लोट कर रहा है. नाउ व्हाट वाज दैट, यू नो व्हाट वाज दैट, सो इट वाज समथिंग दैट वाज स्ट्रगलिंग टू कम आउट. कोई तो ऐसी चीज़ थी जो पानी के ऊपर आने की कोशिश कर रही थी. आई थॉट ही वाज ड्राउनिंग. तो ऑथर को लगा शायद वो डूबने वाला है. आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वॉटर एंड सेव दी 400 pounds of him since he was much higher than I. So of course, इतना बड़ा elephant, एक छोटा सा बच्चा, उसको कैसे बचाएगा, it is almost impossible. ये बेचारा author बेचारा helpless हो गया. Okay, but I saw his black back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up on the shore. तो उसने author ने उसकी back देखी water पानी के ऊपर और जैसे ही कारी ने उसको देखा ऑथर को तो वो एकदम शोर, ट्रम्पेट इज लाइक व्हेन यू स्टार्ट टू शाउट, तो एकदम वो चिल्लाने लगा और स्ट्रगल करने लगा ऊपर आने के लिए. ठीक है, देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर. तो अभी चिल्ला ही रहा था वो, उसने इस बच्चे को भी पानी में खींच लिया. एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम आई सॉ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. तो जैसे ही ये ऑथर पानी के अंदर गया तो इसने देखा कि नीचे एक छोटा सा बच्चा जो था वो रिवर के एकदम बॉटम पे था. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड द बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लोट. तो अभी वो बच्चा पूरी तरीके से बॉटम पे तो नहीं आया था, थोड़ा बहुत तैर ही रहा था. I came to the surface of the water to take my breath and there Kari was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for me. So how sensitive an elephant is, elephant ko pata hai ki wo bachcha andar, I mean the author has gone inside, so usne dekha ki ye andar gaya hai to usne he quickly went and wo sand bank par acche se khada tha aur usne apna jo trunk tha wo aage nikal ke rakha tha taaki ki jab author bahar aaye to wo uska trunk pakad ke, you know, that would like act as support system for him. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface. Not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. Now, of course, author ke liye bhi ek struggle tha. Wo jo bachcha doob raha hai, usko bahar nikalna bhi ek author ke liye bahut bada struggle tha. Now, how did he deal with the struggle? Let's see. Seeing us drift in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. तो जैसे कारी ने देखा कि ये ऑथर भी डूब रहा है और वो बच्चा भी डूब रहा है तो उसने क्या किया, यूजली वो स्लो एंड ponderous, ponderous means when you are just very slow and leisure in your walk. तो usually कारी जो है वो slow और ponderous ही रहता था, but उसने जैसे ही देखा कि ये बच्चा जो है ऑथर और वो छोटा सा बच्चा डूब रहा है तो फटाफट से ही डार्टेड इज देन यू रन वेरी फास्ट लाइक अ हॉक. हॉक इज लाइक वो जो शिकार करते हैं, इट इज़ अ वेराइटी ऑफ एन ईगल, दैट्स अ हॉक. तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनकी आई साइट होती है, वो आते हैं और दे वेरी क्विकली डाइव डाउन एंड दे पिक अप देयर प्रे एंड मूव अप. सो वैसे ही कारी जो है वो बहुत फास्ट तरीके से चला और उसने जल्दी से जाकर you know, he went inside the water, he was halfway into the water, yani ki pani ke andar wo almost aadha doob matlab chala gaya. I raised up my hand to catch up and it slipped. To isne apna haath upar kiya. I found myself going under water again, but this time I found that water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow in spite of the fact that I was holding the drowning boy in my hand.
एंड मैं समझाती हूँ हुआ क्या. सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आप में से किसी को स्विमिंग आती होगी तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं तो हमें ट्रेन किया जाता है टू गो डीप इन साइड, टच द बॉटम ऑफ द पूल एंड देन जम्प अप, बिकॉज उसके इम्पल्स से हम वील गैदर दैट फोर्स टू कम टू पॉप बैक विद यू नो एट अ हायर डिस्टेंस, सो एट अ हायर हाइट. तो हम लोग बहुत ही ऊंचा जंप बैक कर सकते हैं इफ वी गो एंड टच द बेस ऑफ द स्विमिंग पूल. सेम गोज फॉर अ रिवर बेड एज वेल, फॉर अ रिवर एज वेल. तो रिवर के भी जैसे ये जो छोटा सा बच्चा था ये डूब तो रहा ही था, तो उसने देखा कि रिवर बैंक जो है वो इतना ज़्यादा दूर नहीं है. तो इसने क्या किया कि इसने टच किया बैंक को, जोर से इसको पुश मिला एंड ही जस्ट पॉप्ड अप अगेन विद द बॉय हु वाज ड्राउनिंग. एज माई बॉडी रोज अबाउट वाटर आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक. जैसे ही ऑथर की बॉडी पानी के ऊपर आई तो उसको लगा कि उसके इसके अराउंड कोई यू नो कपड़ा, लैसो इज लाइक जो वो फंदा बनाते हैं ना, फांसी का फंदा जिसको बोलते हैं आप गले के अराउंड लगाते हो, तो इसको लगा कि ऐसे ही एक लैसो इसके नेक के अराउंड. ये अगर आप देखें तो ये कारी की ट्रंक थी जो इसके नेक के अराउंड थी, तो इसको लगा कि कुछ तो है जिसने मेरी गर्दन पकड़ी हुई है. दिस फ्राइटेंड मी, आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वालो मी. तो इससे ऑथर डर गया, उसको लगा कोई वाटर एनिमल शायद उसको स्वालो कर लेगा. आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग एंड आई नो इट एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक. He pulled us both ashore. तो बेसिकली कारी ने अपने ट्रंक से इसकी नेक को पकड़ा और इन दोनों को बाहर निकाल दिया. सो बेसिकली कारी सेव्ड अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग. कारी वॉज लाइक अ बेबी, ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड. इफ यू डिड नॉट टेल हिम ही वॉज नॉटी एंड ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर. सो उसको ट्रेन करना पड़ता था कारी को, बिकॉज वो बच्चे की तरह था. अगर आप उसको ट्रेन नहीं करोगे तो वो बहुत शरारती था. फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट. Very soon he developed a great love for ripe bananas. तो उसको bananas बहुत अच्छे लगने लगे धीरे धीरे. एक दिन उसको किसी ने banana दे दिया और उसको बहुत अच्छे लगने लगे. We used to keep large plates of fruit on the table near the window in the dining room. तो अब इनकी आदत थी कि ये लोग fruits का table रखते थे window के पास में dining room में. One day all the bananas on the table disappeared and my family blamed the servant for eating all the fruit in the house. तो एक दिन ने देखा कि फ्रूट बोल में से बनाना सभी गायब हो गए, तो फैमिली जो है वो सर्वेंट को ब्लेम कर रही थी. अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपीयर्ड अगेन, दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. इट मेड मी वेरी एंग्री विद माय पेरेंट्स एंड द सर्वेंट फॉर आई वाज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट. तो अब ऑथर को यार जब फालतू में इल्ज़ाम लगा तो वो गुस्से हो गया, उसको अपने पेरेंट्स पर भी गुस्सा आया, उसको सर्वेंट पर भी गुस्सा आया, बिकॉज उसको लगा कि शायद सर्वेंट ने ले ली और इल्ज़ाम मेरे पर आ रहा है, पेरेंट्स मेरी बात सुन नहीं रहे. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन. तो अगली बारी जब बनाना डिसअपियर हुआ तो इसने देखा कि कारी का जो पवेलियन था वहाँ पर बनाना स्मैश्ड पड़ा हुआ था. दिस सरप्राइज मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर seen fruit there and as you know he always lived on twigs. तो इनको तो पता नहीं था कि उसको bananas इतने पसंद है, इनको तो ये पता था कि वो twigs पे ही जीता है. Now next day while I was sitting in the dining room wondering why whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came to the window and disappeared with all the bananas. तो अभी ये बैठा ही था यहाँ पे, सोच ही रहा था कि fruits लूँ कि नहीं लूँ, तो एक नेर में एक पतली सी लॉन्ग ब्लैक थिंग एक सांप जैसी आई और पूरा का पूरा बनाना उठा के ले गई. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट. तो अब ऑथर डर गया, उसको लगा ये सांप तो बहुत ही टेरेबल है, ये तो अंदर आकर हमारे बनानास लेकर जा रहे, तो क्या पता ये हमको मार भी दे. Now I crept out of the room with great fear in my heart, ran out of the house feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. तो ये बहुत ज़्यादा डर गया ऑथर, बहुत ज़्यादा डर गया. तो वो बहुत ही डरा डरा कमरे से बाहर निकला क्योंकि उसको श्योर था कि स्नेक तो इन सबको खा ही जाएगा. As I went out, I saw Kari's back disappearing in the direction of the pavilion. And I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. तो जैसे ही ऑथर बाहर गया तो उसने देखा कि कारी की जो
बैग थी वो पेविलियन में डिसअपियर हो रही थी। तो अभी ऑथर को लगा चलो अभी मतलब शायद सांप होगा यहाँ पे, तो सांप से मतलब ये डर रहा था, तो उसको लगा चलो मैं कारी के पास चलता हूँ, मे बी ही वुड चीयर मी अप। आई रैन आफ्टर हिम टू द पेविलियन आई वॉज एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। तो जैसे ही ये पेविलियन गया देखा कि कारी फटाफट बनानास खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन अस्टोनिशमेंट, द बनानास ऑल ले स्ट्रून ऑल अराउंड। स्ट्रून इज लाइक गिरे हुए, गंदे तरीके से गिरे हुए, फैले हुए, कटे हुए। सो इसने देखा कि बनानास और कारी के पवेलियन में आगे पीछे गिरे हुए पड़े हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग। तो उसने देखा कि कारी जो है वो फटाफट सारे बनानास को खाता जा रहा है, जो एक कोने में पड़ा था वो भी फटाफट उसने खा लिया। सो बेसिकली कारी वाज द वन हु एट अप ऑल द बनानास और इल्ज़ाम सारा का सारा ऑथर पे आ जाता। That incident, the trunk looked like a black snake, and I realized that Kari was the thief. तो उसको उस टाइम में इतना डरा हुआ था वो, तो उसको लगा कि जो उसकी ट्रंक है जो एलिफेंट की, जो कारी की ट्रंक, उसको स्नेक जैसी लगी, बट वो बेसिकली कारी की ट्रंक थी, दैट वॉजंट अ स्नेक एट ऑल। आई वेंट टू हिम पुल्ड हिम आउट बाई द ईयर एंड जॉयसली शोर माई पेरेंट्स दैट वॉज कारी नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स। तो फाइनली अब इसको थीफ मिल गया, तो ये बच्चा पेरेंट्स के पास लेकर गया कारी को और उनको दिखाया कि यही थीफ है, मैं थीफ नहीं हूँ, यही खा रहा था बनानास। देन आई स्कोल्डेड हिम फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन एंड आई सेड हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी व्हिप्ड। तो एलिफेंट्स जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, आपके सभी वर्ड्स को समझते हैं सेंसिटिवली। तो इसने क्या हुआ, कारी को जाकर इसने डांट दिया कि अगली बारी तुमने ऐसे कुछ चोरी किया तो मैं तुम्हें डेफिनेटली मारूंगा। He knew that we all were angry with him, even the servants. उसको पता चल गया भाई सब उसे नाराज हो चुके हैं। His pride was so injured that he never stole anything from the dining room. अब वो इतना उसको hurt हो गया कि सब उसे नाराज हो गए हैं कि अगली बार इसने कुछ भी चोरी नहीं किया। And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. तो अगली बार उसको जब भी कभी fruit मिलता था तो squeal is like खुशी से चिल्लाना, तो वो बड़े ही मतलब खुशी से उनको थैंक करता था। ओके एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम, ओके यार वी कवर दिस लाइन, एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग बट इफ यू पनिश हिम फॉर एनी रीजन विदाउट एनी रीजन ही विल रिमेंबर टू पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। तो यानी कि एलिफेंट जो होता है ना, अगर उसने गलती की होती है तो वो पनिश होने के लिए रेडी होता है, बट अगर आप बिना उसकी किसी गलती के लिए उसको पनिश करो तो वो डेफिनेटली व्हेन समबडी पेज यू बैक इन योर ओन कॉइन मींस जैसा आपने किया टिट फॉर टैट ही पे यू बैक। एंड एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट, व्हेन टू गो स्लो। तो ये सब कुछ बैठना, तेज चलना, आस्ते चलना, ये सब उसको सिखाना पड़ता है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, इफ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट। तो उसको धत करके कान से पकड़ के खींचना पड़ता है तो उसको समझ आ जाता है कि हमें ये मुझे बैठने के लिए बोल रहा है। सिमिलरली इफ यू से माली, ठीक है, ही विल पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ अ सिग्नल टू वॉक। तो माली मीन्स इट्स अ सिग्नल टू वॉक एंड धत मीन्स इट्स अ सिग्नल टू सिट। कारी लर्न माली आफ्टर 3 lessons बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत। तो 3 lessons में वो माली समझ गया था, मतलब चलना समझ गया था, बट धत सीखने में उसको टाइम लगा, यानी कि बैठने में। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, और एलिफेंट को बिठाना की ट्रेनिंग, बैठने की ट्रेनिंग देना इतना ज़रूरी क्यों होता है, वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हू टेक केयर ऑफ हिम, सो दैट वेन ही इज 2 to 3 years old यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर। It is therefore better you teach him to sit down by saying dhat so that you don't have to climb upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time. So of course usko bithana matlab baithne ki training dena zaruri isliye hota hai because kya hota hai ki wo time ke sath bahut lambe hote jate hain aur aapko, you are the one who has to take care of him, kabhi aapko uski back clean karni, sometimes you have to sit, ab every time you cannot carry a ladder and climb up his back, right? You should teach him to sit so that you can take care of him. The most difficult thing to teach an elephant is the master call. Master call क्या होती है देखते हैं।
इट जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, तो 5 साल लग जाते हैं एलिफेंट को मास्टर कॉल प्रॉपरली सीखने में. अ मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर. तो हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड, लाइक हिसिंग मतलब स्नेक की जैसी साउंड होती है, और हाउलिंग साउंड करनी पड़ती है कारी के कान, मतलब नॉट कारी सॉरी एलिफेंट के कान के पास में, सो एज टू ट्रेन हिम टू टीच द मास्टर कॉल. दैट्स कॉल्ड द मास्टर कॉल. नाउ लेट्स सी कि हम क्यों सिखाते हैं उसको. एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम मास्टर कॉल? और आपको पता है कि एलिफेंट क्या करते हैं जब आप उसको मास्टर कॉल देते हो? If you are lost in a jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not stay very long anywhere. Of course, agar aap jungle mein kahin raat ko gayab ho jao, gum ho jao, then what do? The only thing to do is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. तो जैसे ही आप मास्टर को, अगर आप मान लो जंगल में रात को घूम गए, तो अगर जैसे आपने एलिफेंट को मास्टर कॉल दी, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना मतलब जंगल के अंदर घुस जाएगा सभी ट्रीज को, बिकॉज एलिफेंट इज सो ह्यूज, इट कैन जस्ट लिटरली डेवस्टेट एनी थिंग वॉट इज अ फॉरेस्ट. सो इट वुड जस्ट गो अहेड, प्लंज फॉरवर्ड, इट वुड डेवस्टेट ऑल द ट्रीज, सभी ट्रीज को तोड़ देगा. और ये सब देखकर कोई भी अगर एनिमल्स भी होंगे ना, वो डर जाएंगे और वो आगे पीछे भागने लग जाएंगे. दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, सभी एनिमल्स डर के भाग जाएंगे. As the trees come crashing down, monkeys wake from sleep and run from branch to branch. You can see them in the moonlight and you almost see the stags running in all directions below. Stag is a male deer. So, aap sabhi animals ko aage piche dar ke bhagte hue dekhoge. You can hear the growl of the tiger in the distance. Tiger ka growl bhi aapko dur se sunai de dega. Even he is frightened. Tiger bhi dar jata. Then the elephant pulls down the next tree and the next and the next. So, I mean, basically the elephant is going to devastate every tree which comes its way towards you. So you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. So basically वो आपको जंगल से आपके घर तक ले जाएगा without you getting danger if you teach him the master call and if you give up that master call in a situation of emergency. That is the importance of a master call. So here it is, ये है जी आपका elephant. अगर कहीं आप उसको master call दे दोगे तो इसी तरीके से वो भागते भागते जो है आपके jungle के through आपके पास पहुँच जाएगा. और ये देखिए सभी elephants डर रहे हैं. So yeah, that's about it बच्चों, ये chapter ख़त्म हो चुका है. अगर आपको इसके बारे में और सीखना है, go ahead and buy your plus subscription. फीचर्स क्या क्या हैं, घर बैठे बैठे सीखने का मौका, सभी कोर्सेज का एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, पूरे सिलेबस का कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज. और ये सभी बेनिफिट्स आपको कितने में मिलेंगे बच्चों? 24 मंथ्स यानी 2 साल, 25,000, 18 महीने, 30,000 सॉरी 20,000, 15 महीने 18,000 सॉरी 12 months 15,000. और इस प्राइस का बच्चों आप सबको मिलेगा 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10. एंड यू ऑल्सो कैन यू नो पे थ्रू पर मंथ बेसिस पर भी आप पे कर सकते हो एट अ नो कॉस्ट EMI. देन इज योर बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसके क्या क्या फीचर्स हैं? यू हैव ए पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, एंड सभी बेनिफिट्स हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के. नाउ व्हाट इज द प्राइस? 2 years 48,000, 18 months 35,000, 15 months 32,000. और इस प्राइस पर अगेन 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10. एंड अगेन पर मंथ बेसिस पर भी पे कर सकते हो. देन डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड SPSO10 टू अनलॉक फ्री स्पेशल क्लासेज एंड फ्री टेस्ट सीरीज ऑन द अन अकेडमी ऐप. थैंक यू सो मच बच्चो, डाउनलोड द अन अकेडमी ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर एंड यूज माई कोड. Thank you so much. Like, share and subscribe. Bye, bachcho. Love you all. See you all tomorrow.